आइए अनबॉक्सिंग देख लेते हैं आहुजा के DPA 370 का। पहले MRP देख लेते हैं, MRP है 4640 रुपये। 30 वाट का ये, दो माइक एक ऑक्स लग जाएगा। खोल के देख लेते हैं इसको। सबसे पहले वारंटी कार्ड और जो भी डिटेल दिए हुए हैं, और एक बैटरी केबल भी मिलता है साथ में। इसको निकाल लेते हैं। अब ये एम्पलीफायर मेनली एक यूनिट चलाने के लिए है। अगर आपको एक यूनिट चलाना है, एक चुंगा चलाना है, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है ये। थर्माकोल हटा लेते हैं। और ये रिमोट है जो हमको इसके साथ में मिलता है। नेक्स्ट ऑन ऑफ अगर USB का काम करने के लिए है ये। और ये हमारा मेन एम्पलीफायर, तो एक माइक यहाँ, एक माइक यहाँ, फिर USB यहाँ, ऊपर में वॉल्यूम दिए गए सबके, और ये ऑन ऑफ बटन। पीछे देख लेते हैं, पीछे बैटरी लगाने का 100 वोल्ट दिया है, और अभी हम कॉमन सोलर में लगाएंगे प्लेन यूनिट। लाइन आउट ऑक्स दिया है। अभी मैं इसमें नॉर्मल यूनिट चलाने वाला हूँ, इसलिए कॉमन सोलर में लगाऊंगा। वो 16 ओम्स का यूनिट है, इसीलिए मैं इसको कॉमन सोलर में ही लगाऊंगा। ये एम्पलीफायर एक यूनिट चलाने के लिए बहुत ही सफिशिएंट है, बहुत अच्छा है ये। अब मैं इसको सोलर में लगा लेता हूँ। ये कॉमन में लगा चुका हूँ, अभी हो गया। अब मैं यूनिट क्या लगाता हूँ, लगाऊंगा ये आपको दिखा देता हूँ। वो है ये AU40। ये प्लेन यूनिट है 16 ओम्स का। इन दोनों का मैचिंग बहुत ज़बरदस्त है। ये आहुजा का ओरिजिनल यूनिट है, 40 वाट का है ये। खोल लेता हूँ ढक्कन। यहाँ वायर लगाना है, अब मैं इसमें वायर लगा देता हूँ। ऐसे टाइट करने वाला सिस्टम दिया गया है। नट टाइप खोलो, फिर खड्डा जैसा है वहाँ डाल दो वायर को, फिर टाइट कर दो, बस हो गया। अब मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। मैं इसमें पावर सप्लाई दे दिया। अब USB भी लगा लेता हूँ। USB का एक वॉल्यूम दिया और एक टोन का वॉल्यूम दिया गया इसमें। अब इसको हम चला के देख लेते हैं कि कैसा आवाज़ आ रहा है। Thank you.
Thank you.